अस्सलामुअलैकुम, गौसी अली है और वेलकम टू गौसी अली एजुकेशनल अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम हाउ टू डू फ्रीलांसिंग के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हाउ टू डू फ्रीलांसिंग के लिए आपको फ़र्स्ट क्या करना होगा वो मैं आपको सब पहले यहाँ पर टाइप करके दे देती हूँ, देन फिर मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट इज द फर्स्ट, इज द फर्स्ट टूल ऑफ फ्रीलांसिंग। ओके, यहाँ पे मैं लाके पहले एंटर कर देती हूँ, देन फ्रीलांसिंग इन विच वी लर्न। बिजनेस डेवलपमेंट इज़ द फर्स्ट टूल ऑफ फ्रीलांसिंग इन विच वी लर्न। हमने जो भी अपना पढ़ा है, जो भी स्किल की है, उसको बिजनेस डेवलपमेंट हम लोगों को देना पहली फर्स्ट हमारा जो है वो राइट है। अच्छा, पहला फर्स्ट टूल जो है हमारा वो ये है कि हम लोगों ने जो भी स्किल हासिल की है, जो भी कुछ हम लोगों ने किया है, उसमें एक्सपर्टीज़ है आपको, उसको बिज़नेस डेवलपमेंट के तौर पे आपने एज अ फ्रीलांसर आपने उसको एक्टिव करना है। ओके, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिखा बिजनेस डेवलपमेंट इज़ द फर्स्ट टूल ऑफ फ्रीलांसिंग इन विच वी लर्न। हम लोगों को जो है बिजनेस डेवलपमेंट करनी है अपनी स्किल को, जैसे कि हम लोग कोई भी अपनी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। ग्राफिक डिज़ाइनर, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको एक्सपर्टीज लाजमी नहीं है कि हर कोई लोगो एक्सपर्ट हो सकता है, हर कोई स्टेशनरी डिज़ाइनर हो सकता है, हाँ हो सकते हैं, लेकिन एक्सपर्टीज़ आपको जो है वो किसी किसी में होती हैं। ओके, अब जैसे कि कोई बेस्ट लोगो डिज़ाइन कर सकता है, कोई स्टेशनरी डिज़ाइनिंग बेस्ट कर सकता है, इस तरह की हो सकती हैं। तो अब आपको इस तरह से करना है, देन फिर आपको सेकंड वाला जो होगा आपका बिजनेस डेवलपमेंट जो होती है वो आपकी बेस्ट होनी चाहिए, सही है, आपकी वो होनी चाहिए। देन फिर आपका जो सेकेंड मैं बोलूँगी वो है प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, यानी अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है। आप वक्त पे जो है अपना जो है अपने जो भी क्लाइंट से आपको असाइनमेंट मिलती है, जो भी आपको वर्क मिलता है, जो भी आपको जो है ऑर्डर मिलता है, वो आपने वक्त पे उसको देना है। आपने आज के दिन 5 बजे बोला है तो आज के दिन 5 बजे ही आपने वो देना है, अच्छे से आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। ओके, अब जो है थर्ड पॉइंट जो है वो ये है अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉइज, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉइज, यानी आपको जो भी क्लाइंट्स होते हैं या क्या नाम है कोई भी एम्प्लॉइज़ आपने अपने रखे हैं, आप जब फ्रीलांस मार्केट प्लेस में जाते हैं बिज़नेस डेवलपमेंट करते हैं तो बिज़नेस डेवलपमेंट में आप कुछ अपने एम्प्लॉइज़ रखते हैं, उनकी आपको साइकोलॉजी को समझना है। ओके, या फिर अपने क्लाइंट्स की साइकोलॉजी को आपको समझना है कि क्लाइंट्स किस तरह से आपको अच्छे लग रहे हैं, कि यानी आपको उनको माइंड से आपको खेलना है कि वो उनकी डिज़ाइनिंग किस तरह से वो पसंद करते होंगे। अगर वो पाकिस्तानी है तो वो पाकिस्तानी स्टाइल में वो डिज़ाइन देखेंगे, अमेरिकन है तो अमेरिकन डिज़ाइन उनके देखना है। अब जो है कुछ जो है अमेरिका में पाकिस्तान में जब हमारी नाइट हो रही होती है तो उस टाइम पे वहाँ पे मॉर्निंग हो रही होती है, आपको उस टाइम पे आपको ऑर्डर्स वगैरह करने हैं या गिग्स वगैरह अपने उनके करने हैं या कम्युनिकेशन का कोई आपका कॉन्टैक्ट वगैरह उनसे करना है तो आपको उस तरह से करना है। उनकी कंट्री के लिहाज से, उनके लिहाज से आपको, उनकी टाइमिंग के लिहाज से आपको उनको डील करना होगा, सही है, उनकी साइकोलॉजी को समझें। जैसे हम लोग फेस टू फेस जो है बात करते हैं, जैसे हम फेस टू फेस जो है कोई भी हम लोग डीलिंग करने वाले होते हैं, जैसे हमारी ऑफिस में मीटिंग होती है तो हम जो है एक ऑफिस मैन जो होता है वो सेकंड ऑफिस मैन से अगर उसकी कोई भी प्रेजेंटेशन होती है तो वो उसके सामने उसके लिहाज से उसको प्रेजेंटेशन देता है, सही है। अब हम लोग जो है ऑन स्क्रीन कर रहे होते हैं, अब हमें नहीं पता कि वो वाला बंदा जो है वो किस माइंड का है, तो उसकी साइकोलॉजी को पहले समझने की कोशिश करें,
बाय कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उस तरह से आप सीखें, देन फिर आपको जो है उससे डीलिंग करनी है, सही है, उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे तो आप डीलिंग उससे बेस्ट कर सकते हैं। देन फिर अब हमारा जाता है लर्निंग अबाउट डूज एंड डॉज डंस, लर्निंग अबाउट डूज एंड डोंट्स, यानी आपको लर्निंग अबाउट डूज एंड डोंट्स मीन्स क्या है, आपको अच्छे और बुरे का फ़र्क होना चाहिए कि आप ये वाला क्लाइंट जो है ये आपके साथ जो है वो दगाबाजी नहीं करेगा, धोखा नहीं करेगा, आप उनको असाइनमेंट उनकी उनका जो है आपको जो भी ऑर्डर मिला है वो आप उनको पे कर भी देते हैं, वो उनको टाइम पे दे भी देते हैं, वो आपको पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, आपको ये भी उनसे कम्युनिकेशन के दौरान पे ऑर्डर के दौरान पे आपको ये आपको खुद से आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि आपको इसके साथ वर्किंग करनी है या नहीं करनी है, डूज एंड डोंट्स, ये मीन्स आपको काम करना है या नहीं करना, ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, सही है। इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो है आपको हाउ टू डू फ्रीलांसिंग, मैंने आपको हाउ टू डू फ्रीलांसिंग के जो है डिफरेंट पॉइंट्स बताए हैं, अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा।